मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें। बेटी आशा, आशा बेटी। आई डैडी। ये हाँ बेटी, सुना है कल रात तुम ड्यूटी छोड़कर वापस आ गई थी, क्यों? वो मिस्टर सक्सेना के बच्चे मुझे ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ, अब लगता है मुझे ये बात पुलिस को बतानी पड़ेगी। हाँ खा, ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं, उनकी मम्मी जरूर मेरी हमशक्ल रही होगी। ये कैसे हो सकता है? नहीं, उन्होंने ना अपने मम्मी की तस्वीर लाई थी मुझे दिखाने के लिए। वो बिल्कुल मेरी हमशक्ल है, मतलब थी। थी? थी का मतलब क्या है? 6 महीने पहले वो हिमालय की चोटी से गिर गए, तब से लापता है। लगता है मुझे सक्सेना के बच्चे को अब साफ साफ बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। खबरदार, आइंदा उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो। डैडी। हाँ डैडी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। क्या वाकई मैं आपकी बेटी हूँ? What? मतलब नाराज मत होइएगा, लेकिन लेकिन कहने की 6 महीने पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या मैं वाकई आपकी बेटी हूँ। तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने से ये तो प्रूव नहीं होता ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। अच्छा तो आओ, आओ मेरे साथ। अरे आओ, आओ बताता हूँ तुम्हें, आओ मेरे साथ। हाँ, रखा मैंने? क्या ढूंढ रहे हैं डैडी आप? मैं उस अखबार को ढूंढ रहा हूँ जिसमें आज से 6 महीने पहले तुम्हारी तस्वीर छपी हुई थी। 6 महीने पहले मेरी तस्वीर छपी थी? हाँ, ये देखो, देखो और पढ़ो इसे। फॉरेस्ट ऑफिसर की जीप दुर्घटनाग्रस्त, पति पत्नी और बेटी बुरी तरह घायल। हाँ, आज से 6 महीने पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेकर शिमला जा रहा था जीप में। जीप के ब्रेक्स फेल हो गए और हम तीनों खाई में गिर गए। तुम्हारी मम्मी को तो डॉक्टर लोग बचा नहीं सके, लेकिन जब तुम्हें होश आया तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। आई एम सॉरी डैडी, मैंने आपको गलत समझा। तो आप क्या सोचा है तुमने? मैंने समझा कि मतलब मैं मिस्टर सक्सेना की ज्योति हूँ। हाँ, मतलब मैंने तो मन की तैयारी भी कर ली थी कि मुझे वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। पर ये क्या कह रही हो बेटी? तुम उन तीन बच्चों की माँ बनकर उस कंबख्त सक्सेना के घर उसकी बीवी बनकर रहना चाहती हो? जिस सक्सेना को हॉस्पिटल में देखकर तुम बेहोश हो गई थी। नहीं नहीं, मैं बेहोश नहीं हुई थी, मेरे तो होश उड़ गए थे डैडी। क्या? मैं पूछता हूँ तुम लोगों को क्या जरूरत थी मेरे अनजाने में उस हॉस्पिटल में जाके उस नर्स से मिलने की? डैडी वो नर्स नहीं है, वो हमारी मम्मी है। और बच्चों को अधिकार नहीं है क्या अपनी मम्मी से मिलने का? वो इनकी मम्मी तब होगी जब उसे सब कुछ वापस याद आ जाएगा। याद आ जाएगा डैडी? अगर हम सब मिलकर कोशिश करते हैं तो मम्मी को जरूर याद आ जाएगा। बल्कि हमने जब उसे उसकी तस्वीर दिखाई तो काफी देर तक सोच रही थी। क्या? हाँ, उसने वो फोटो अपने आईडी कार्ड से मैच करके भी देखी और फिर बुदबुदाई। ये तो ताज्जुब की बात है, ये बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। हो ना हो पापा, वो हमारी ही मम्मी है। हाँ डैडी, अब मम्मी को जल्द से जल्द घर लाइए, हम उनके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो नहीं लाने वाला तुम्हारी मम्मी को। क्या क्या बकरे? क्या मैं बकरी हूँ? हाँ। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि तुम ज्योति को वापस नहीं लेके आओगे, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर ज्योति वापस आती है तो चंद्रिका मैडम का क्या होगा। मुझे तो लगता है कि डर आपको लग रहा है। मुझे? हाँ, कि अगर ज्योति वापस आ गई तो आपका क्या होगा। पिछले 6 महीने से आप ऐश कर रही हैं यहाँ। मैं ऐश कर रही हूँ? हाँ। मैं ऐश कर रही हूँ यहाँ? सासुआ, अगर ज्योति की याददाश्त वापस आती है ना तो मैं आपको घुमाने शिमला ले जाऊंगा। हाँ, और वहां में खो गई तो? इसलिए तो ले जाऊंगा। आशा बेटी, आशा बेटी,
क्या है डैडी? हाँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। जी डैडी। तुम अपना ख्याल रखना, और अगर कोई सक्सेना मक्सेना आए तो उसे एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? डैडी, मैं एक बार मिस्टर सक्सेना के घर जाना चाहती हूँ। हाँ, पिछले 6 महीनों से मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और आगे चल के मेरा क्या होगा। अरे हम तुम्हारी शादी करवा देंगे किसी अच्छे लड़के से। हाँ, लेकिन वो मिस्टर सक्सेना जैसा तो नहीं होगा ना। तुम होश में तो हो डैडी? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? अगर वो आइडिया आपको पसंद आया ना तो आपका शादी ब्याह का खर्चा बच जाएगा। क्या मतलब? देखिए, मिस्टर सक्सेना बिल्कुल अकेले हैं। हाँ। मेरी भी शादी नहीं हुई है। हाँ। मैं बिल्कुल उनके बीवी जैसे दिखती हूँ। अगर मैं ज्योति बनके रहना चाहती हूँ तो भी रह सकती हूँ। अरे इससे क्या होगा बेटी? मुझे एक रेडीमेड घर मिल जाएगा। अच्छा, वो रेडीमेड घर के साथ साथ रेडीमेड 3 बच्चे मिल जाएंगे, उसका क्या करूँगी? बच्चे तो अभी बड़े हो गए हैं। अरे लेकिन कल को जब तुम खुद माँ बनोगी तब? मैं उन 3 बच्चों को हॉस्टल भेज दूंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटी, Are you serious about this? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कल को अगर आप जंगल के क्वार्टर्स में चले जाएंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना। अरे तो जाने से पहले हम तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी शादी शुदा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटी, तुम्हारी इन बातों से मेरा सर चकरा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा नाटक करने की जरूरत है, आपको भी और मुझे भी। अरे हाँ अमर, अरे ज्योति भाभी को कुछ याद आया कि नहीं? यार मैंने बच्चों को कल उसके पास हॉस्पिटल भेजा था, उसने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया। यार एक काम कर, तू पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। पुलिस क्या करेगी? अरे इस बात की छानबीन करेगी और बता देगी कि हकीकत क्या है। हेलो जी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अमर जी, आपका फोन है। किसका है? एक लेडी है, शायद आपकी वाइफ है। हेलो। हेलो मिस्टर सक्सेना, मैं आशा बोल रही हूँ, आशा चौधरी। हाँ आशा जी बोलिए। मिस्टर सक्सेना, आपके बच्चे मुझे मिलने आए थे, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में। अकेले में? अब तो ठीक है, रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। What? हाँ, रेलवे स्टेशन पर इंसान जितना अकेलापन महसूस करता है उतना कहीं और कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं आपको पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहती। तो ठीक है, फिर आप शाम को 7 बजे मेरे घर आ जाइए, बच्चे भी आपसे मिलकर खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं शाम को 7 बजे आपके घर पहुँच जाऊंगी। ओके। क्या हुआ यार? ज्योति शाम को घर आ रही है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुझे लगता है उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैडम से कह दे रहा कि मैं जल्दबाजी में निकल गया। ओके, ऑल द बेस्ट। अमर जी को मेरे कैबिन में भेजिए। वो गए। कहाँ गए? घर। मेरी परमिशन के बगैर? नहीं नहीं मैडम, आप उनके जाने का कारण सुनेंगी ना तो आप उन्हें माफ कर देंगी। क्या कारण है? आज शाम को ज्योति भाभी घर आ रही है। ओहो, 8 बज गए, मम्मी अब तक क्यों नहीं आई? आपने एड्रेस तो ठीक से दिया था ना? क्या एड्रेस देना, वो पहले आ चुकी है यहाँ। कहीं मम्मी ने प्रोग्राम तो चेंज नहीं कर दिया? अशुभ बदबू। सुनो बच्चों, जब वो यहाँ आएगी ना तब हम सब मिलकर उसे याद दिलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं मम्मी को पुराने फोटोज दिखाऊंगी। हाँ, और मैं मम्मी को वो दिन याद दिलाऊंगी जब वो मेरी एसएससी के लिए दिन रात एक करती थी। तो फिर मैं क्या याद दिलाऊं? तुम वो दिन याद दिलाना जब तुम होमवर्क नहीं करते थे। तुम्हारा बाप क्या याद दिलाएगा? मैं ज्योति को याद दिलाऊंगा वो दिन जिस दिन हमारी शादी के बाद उसकी विदाई हो रही थी और मेरी सासू माँ रोने की बजाय हंस रही थी। खोलो। ज्योति मेरी बेटी। ज्योति आप बैठो ना। ज्योति आशा बैठो बैठो बैठो। बच्चों, आपको आश्चर्य हुआ होगा कि मैं फिर से यहाँ आ गई हूँ। नहीं नहीं, बल्कि तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ आएंगे। हाँ, डैडी ने घर आकर हमें इन्फॉर्म भी कर दिया था। बेटी देखो। हाँ। तुम्हें जो भी बातें करनी है जल्द से जल्द कर लो। हाँ। हम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हाँ। हाँ। क्यों नहीं रुकेंगे? मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगा कि ये अब यहीं रहेंगी। हाँ मिस्टर सक्सेना, मुझे इन बच्चों पे तरस आ रहा है, आप जल्दी से इनके मम्मी का पता लगा दीजिए प्लीज। आप भी हमारी मम्मी है मम्मी। हाँ मम्मी, हम साबित करेंगे कि आप ही हमारी मम्मी है। चलो अंदर। अरे देखो, 5 मिनट सिर्फ। हाँ भाई चौधरी,
भाई भाई नहीं जेपी वही वही आप इन्हें कुछ दिनों के लिए हमारे साथ नहीं रख सकते? नहीं रख सकता। देखिए आप भी यहीं रह लीजिए ना, नानी माँ से परिचय कीजिए। बड़ी यंग लग रही है आपकी नानी माँ। मेरी नहीं बच्चों की नानी माँ। लेकिन लगती नहीं है। मिस्टर क्या नाम आपका? सक्सेना। हाँ। अब मैं अपनी बेटी आशा को आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा एक घंटे के लिए छोड़ सकता हूँ। ये आपकी एनिवर्सरी की फोटो, इसमें आपकी गोद में बैठी है वो कौन है? कौन है? मैं। उस वक्त अच्छी दिखती थी ये। और ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बर्थडे की फोटो है। देखो ना आप कितने प्यार से मुझे केक खिला रही है। और देखो यहाँ रो रहा है। याद है आपको? नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा आप ये फोटो देखो, ये सिचुएशन देखकर आपको याद आ जाएगा। हम लोग पिकनिक गए थे। हाँ माथेरान। और देखो यहाँ आप घुड़सवारी कर रही है। नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा ये फोटो देखो, याद है हम लोनावला गए थे, आपने मुझे स्विमिंग सिखाया था। एक जमाने में आप स्विमिंग चैंपियन थी। अच्छा हाँ याद है आपने एक बार डैडी को बचाया था, वो पानी में गिर रहे थे वो। कुछ याद आ रहा है? हाँ कुछ याद आ रहा है। ज्योति, I'm sorry, आशा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं मिस्टर सक्सेना, अगर ज्योति कहने में आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप मुझे ज्योति कह के बुला सकते हैं। अच्छा ठीक है आशा। ज्योति तुम्हें क्या 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 याद आ रहा है? बर्फीली चोटियाँ, तूफानी हवा चल रही है, अचानक बारिश हो जाती है। चलो बेटी आशा चलो हम लोग निकलते हैं। चौधरी तुमने सारा सत्यानाश कर दिया, अभी से सब कुछ याद आ रहा था। बर्फ से घिरी हुई थी ये। मम्मी को सब कुछ याद आ रहा था। और गलत टाइम पे अगर तुम नहीं आते तो अब तक ये तूफान से घिरी हुई होती। क्या कह रहे हो तुम ये? डैडी मुझे और एक दो दिन इनके साथ रहना चाहिए। हाँ। ये क्या कह रही हो बेटी आशा? नहीं हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही है और मुझे जाना है। आप बाहर में जाइए। क्या मेरा मतलब है? आप बेशक जाइए लेकिन इन्हें यहाँ रहने दीजिए। नहीं ये कोई जबरदस्ती है? हाँ नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं है, ये मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ये मैं कुछ नहीं चाहता। चलो बेटी आशा चलो। अरे चलो आशा। अरे लेकिन चलो बेटी देरी हो रही है चलो। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग जा रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं आप ऐसे कैसे जा सकते हैं खाना खाए बगैर? ज्योति बेटी हाँ? तुम अपनी माँ को छोड़ के जा रही हो बेटी? माँ? आप मेरे माँ हैं? हाँ बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई शक? नहीं 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 डैडी पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि इस औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता है। याद आ गया, याद आ गया। अरे बेटी को सब कुछ याद आ गया। जोर से मत चिल्लाइए ये वापस सब कुछ भूल जाएगी। वाकई मेरी माँ हो? देखा भूल गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, बताओ ना इसे, बताओ ना इसे मैं इसकी माँ हूँ। नानी माँ हम कैसे बताएंगे, जब मम्मी पैदा हुई तब हमारा अता पता भी नहीं था। बेटी बेटी चलो चलो हमें देरी हो रही है। नहीं नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ बेटी, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुझे मेरी इसकी कसम। अंकल अंकल प्लीज हमारी मम्मी को मत लेके जाइए। ओके मैं दो हफ्तों के लिए इसे यही छोड़ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें सीधा हिमाचल प्रदेश ले जाऊंगा। हेलो मिस्टर सक्सेना। मैडम कहिए। आपको जरा भी लिहाज नहीं है, आप मेरी परमिशन के बगैर ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं, और इतना भी नहीं कि एक सिंपल सा फोन कर दें। क्या मैडम अगर मैं फोन करता तो वो सिंपल फोन नहीं डिफिकल्ट फोन होता, क्योंकि मेरी बीवी वापस आ गई है। ओह तो आपकी बीवी की याददाश्त वापस आ गई है? नहीं अभी तक पूरी तरह नहीं आई, लेकिन अगर मैं जरा सा जोर दूं तो वो पूरी तरह आ जाएगी। मिस्टर सक्सेना आप एक काम कीजिए, जब तक आपकी बीवी की याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आ जाती आप ऑफिस नहीं आएंगे। अरे मैडम हेलो 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 है ना आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं मैडम? मैं नाराज क्यों होंगी, क्या अधिकार है मेरा आप पर, खास करके अब जब आपकी बीवी वापस आ गई है। डैडी खाना तैयार है। तैयार है? हाँ, मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। हाथों से नहीं तो क्या पैरों से बनाएगी? चलो तुम चलो मैं आता हूँ, एक फोन करके आता हूँ। ओके। मम्मी। आओ बच्चों, बैठो रितु। मेरा नाम रितु नहीं लोलो है। अच्छा अच्छा और तुम क्या खाओगे? गट्टू? गट्टू नहीं लड्डू। लड्डू ले बेटे,
मैंने आज तो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। स्वीट डिश नहीं मम्मी, मेरा नाम लड्डू है। ओ, अरे वाह, खाना भी लगा लिया। याद आया ज्योति ऐसे ही खाना लगाती थी। अच्छा, नानी माँ बैठी है ना आप? नानी माँ नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मम्मी, सॉरी नानी माँ, लेकिन जब तक ठीक तरह से मुझे कुछ याद नहीं आता मैं आपको माँ कैसे बुला सकती हूँ? हाँ, आंटी जरूर बोल सकती हूँ। नहीं नहीं, फिर तो नानी माँ ठीक है। हाँ? कम से कम उसमें माँ शब्द तो है। अच्छा, अच्छा अपने डैडी को नहीं बुलाओगे? हाँ, वो आ रहे बस एक फोन करके आ रहे। अच्छा। यस मिस्टर सक्सेना। आपने कैसे जान लिया कि मेरा ही फोन होगा? कहिए वापस की फोन किया आपने। मैडम, आप मुझसे नाराज है ना? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? जी नहीं मिस्टर सक्सेना, मुझे आपसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या है मैडम, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। कौन सी बात? वो मैडम अब मैडम मैडम ही कहते रहेंगे या आगे भी कुछ कहेंगे? कहिए क्या बात है। हाँ, वो दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता था के जी मैं वो आप खाना खाने आ रहे हैं ना? हाँ, खाना तो खाना पड़ेगा। आइए, आप जाइए पहले। मैडम, मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, वो ऐसे फोन पे नहीं कहूंगा, रूबरू कहूंगा। जी नहीं मिस्टर सक्सेना, आज से आपको जो कुछ कहना है अपनी बीवी से कहिए। क्या बात है बच्चों, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? क्यों रिटू, खाना अच्छा नहीं बना? हाँ हाँ, खाना अच्छा है ना। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नानी माँ आपको तो अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल से खाना मैं बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, कल भी खाना यही बनाएंगे और आप लोग सब खाएंगे। आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। इसका मतलब इनको खाना अच्छा नहीं लगा? अरे उनको छोड़ो, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ? देखो ना, मैं कितना ले रहा हूँ, और भी ले रहा हूँ। देखो, आपको अच्छा लगा ना? हाँ? तो फिर बच्चों को क्यों नहीं पसंद आ रहा है? पहले तुम मेरे पास बैठो, इधर बैठो, बैठो, और तुम भी खाओ। ये लो। हाँ? हाँ? तुम भी खाओ। अच्छा ठीक है ना। इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी चिकन बिरयानी बनाई है तुमने, मालूम है? वाकई टेस्टी बनी है। और अफसोस की बात यह है कि ज्योति टोटली वेजिटेरियन है। उसने अपनी सारी जिंदगी में ना ही कभी नॉन वेजिटेरियन खाया है ना पकाया है। वो वेजिटेरियन, उसकी अम्मा वेजिटेरियन। हाँ? उसके बच्चे वेजिटेरियन, सब वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन। नहीं, मैं मम्मी के पास होऊंगी। मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा। अरे चुप बैठो, तुम दोनों मम्मी के पास हो ना, मैं मम्मी के पैरों के पास बैठूंगी और उनके पैर भी दबाऊंगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरे पैर दबाओ, चलो। मैं मम्मी के पैर दबाऊंगी। अरे वो नहीं आने वाली इस रूम में। क्यों? वो तो बाय बाय बच्चों, मैं जा रही हूँ अपने घर। क्यों? क्यों? तुम्हारे डैडी ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि बच्चों की माँ टोटली वेजिटेरियन थी और मैं तो टोटली नॉन वेजिटेरियन हूँ। कोई बात नहीं बेटी, जब तुम्हारी याददाश्त टोटली वापस आ जाएगी तो तुम टोटली वेजिटेरियन बन जाओगी। नहीं नहीं, मैं तो बचपन से टोटली नॉन वेजिटेरियन हूँ। इसका मतलब है कि मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मैं ज्योति नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मैं बच्चों की माँ नहीं हूँ। नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। मीठी मीठी बातें, दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। इस दुनिया में जीना है तो बात बनाना सीखो, सीखो झूठ में सच और सच में थोड़ा झूठ मिलाना सीखो। कोई भी उलझन हो या मुश्किल, इन्हीं बातों से मिलती है मंजिल। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें।